आगे हो क्या करे एक्चुअली भाई ये चीज भैया कह रहे हैं ना, ये बचपन में बहुत सारी करता होता था मैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इस केदारनाथ। वो आज फिर एक नवी ब्लॉग स्टार्टिंग हो गई है। आज अस आए हुए हैं वर्धमान मेले च, हाँ दुशहरा मेला देखन है। सैकेंड हाईएस्ट मतलब कह सकते सैकेंड वड्डा मेला हैगा लुधियाने का, जिहड़ा मतलब काफ़ी ही वर्ल्ड फेमस है। पहला मेला द्रेसी मेला और दूजा वर्धमान मेला। अंदर एंटर होते सारी जो सबसे पहली राइड आएगी वो आएगी ड्रैगन की, और ये ड्रैगन की राइड भी मतलब देखने में ना काफ़ी मतलब हाँ ऊबड़ खाबड़ सी कह सकते हैं कि लग रही है। मतलब यहाँ पे भी इतना क्राउड नहीं है क्योंकि राइड्स भी सारी खाली ही चल रही है। ये सारी जो दूसरी राइड है वो है ब्रेक डांस, और ब्रेक डांस जो है वो फुल है। उसके बाद वो नीचे भी काफ़ी क्राउड खड़ा हुआ है जो राइड लेने के लिए तैयार बैठा है। ब्रेक डांस में मतलब काफ़ी डेंजरस राइड है, अगर किसी को वोमिटिंग शोमटिंग आती है तो प्लीज़ ये अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमें एक हमारा छोटा सा सब्सक्राइबर मिला है किशन जी, इन्होंने मुझे पहचान ली और अभी हमारे पास आए थे। भैया कहाँ पे क्या कहाँ के रहने वाले हो आप? हाँ जी लुधियाना के ही रहने वाले हो। अच्छा चलो यहाँ पे मेला देखने के लिए आए थे। इस मेले में आपको क्या अच्छा लगा? ये अच्छा लगा लिया आपने ये राइड? चलो ठीक है शुक्रिया। राइड है वो है किश्ती की, वो किश्ती भी मतलब दूसरे मेलों की तरह ये भी काफ़ी हाइट पे जा रही है और काफ़ी डेंजरस लग रही है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो ये किश्ती की राइड आप जरूर अपना ट्राई कर सकते हो। अब लुधियाना का एक ट्रेंड बन चुका हुआ है, कोई भी मेला होगा वहाँ पे एक कैमल की जो राइड है वो तो होगी। हम जब तक चार मेले कवर कर चुके हो, चारों मेलों में ये कैमल की राइड तो है ही। भैया इसका क्या नाम है? फौजी। इसका फौजी नाम है और ये फौजी की जैसा हट्टा कट्टा भी है। जो फोर्थ राइड आती है वो आ रही है कि चंडोल की राइड, तो चंडोल की राइड पे भी काफ़ी क्राउड वेटिंग में लगा हुआ है और वो चंडोल की राइड भी पूरी फुल जा रही है। और यहाँ पे बाकी मेलों के मुकाबले द्रेसी मेला और विश्वकर्मा अपना वर्धमान मेला दोनों ही सिमिलर है और दोनों में ही काफ़ी क्राउड होता है। ये राइड पे आके बोल रहा है कि दिल तो बच्चा है जी, तो मैं क्या करूँ? जब जब ये राइड पे आता हूँ दिल मेरा अपने आप मचलने लग जाता है कि काश मैं ये राइड ले पाऊँ, तो मैं फिर नहीं ले पाता हूँ। हर एक बंदे को पूछता हूँ मैं ले सकता हूँ, हर एक बंदा मुझे मुंह पे ही मना कर देता है कि आप ये राइड नहीं ले सकते। जो फिफ्थ राइड आती है वो फिर दोबारा से अगेन ये ड्रैगन की राइड ही है, तो इस ड्रैगन की राइड पे थोड़ा बहुत क्राउड जरूर है। ये भी देखने में थोड़ी सी डेंजरस तो जरूर लग रही है। शॉपिंग के लिए भी कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, बच्चों से लेके लेडीज तक सब के लिए शॉपिंग। अभी हम फरूखी पान सेंटर पे आए हुए हैं और यहाँ पे जो इनके पान देखे ना मुँह में एक तरह से पानी आ रहा है। एक्चुअली बात अगर आज हमने व्रत ना रखा होता तो हम इनका पान टेस्ट करके जाते। ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा फ्लेवर है। भैया कौन कौन से फ्लेवर आपके पास? स्मोक पान है, फायर पान है, चॉकलेट पान है, स्मोक बिस्किट है। हाँ जो है वो स्मोक पान है वही है ना जिसमें से मुंह में से धुआं निकलता है। ओके फायर पान का क्या मतलब? आग में लगा के वो इस वक्त है आपके पास? फिलहाल हमारे पास सब अवेलेबल है। ओके ओके इनके पास सब कुछ अवेलेबल है। अगर इनके से आप वो ढूंढ रहे हो कहीं पे फायर पान या स्मोक पान, यहाँ पे आके इनसे उसका एडवेंचर थोड़ा सा कर सकते हो। ये भैया फायर पान बना रहे हैं, अब ये भैया फायर पान खिलाएंगे, अभी ये देखते हैं कि कैसे होता है। आगे हो क्या करे ये जितना देखने में मुश्किल लग रहा है बट उतना मुश्किल है नहीं है। चलो अच्छी बात है, डर तो थोड़ा सा लगता ही है, बाकी चलो आगे ये एक्सपीरियंस भी हम लेंगे। कहते हैं ना कि बाल की खाल जाती नहीं है। जब भी मैं गेम ये देखता हूँ तब तक मेरा मन करता है कि मैं ये गेम खेल लूँ, और चलो अब भी हम खेलने लगे ये गेम। ये भैया जो हमें ये गेम खिलाएंगे ये 50 रुपये का एक शॉट है और 50 रुपये में आपको 200 रुपये का इनाम मिलेगा। चलो मैं ये गेम एक शॉट तो एटलीस्ट यहाँ पे लूँगा ही लूँगा। हर बार एक चार मेले कवर कर लेने, चार आज एक एक ग्लास गाया था। ये नंबर है, अगर ये नंबर हम ये मेरे 6 बोट्स मिलेगी उसके अंदर अंदर अगर ये नंबर कोई आ जाता है तो हमें इनमें से कोई ना कोई नाम मिलेगा।
पर मेरा रिकॉर्ड है आज तक जितने भी मेले मैंने कवर किए हैं, तो इस गेम में मैं आज तक कभी एक रुपया भी जीत के नहीं लेके गया हूँ। सब कुछ बना हुआ है लेडीज के लिए भी, यहाँ पे ज्वेलरी ज्वेलरी ये सब कुछ, और एक साइड पे ये गेमिंग जोन है। और ये गेम मैं सोच रहा हूँ मैं इस बार नहीं खेलूँगा, क्योंकि हर बार तो चूना लगा के जाते हैं उनसे, कोई ना कोई हरा के जाते हैं उनको, तो इस बार चलो छोड़ देते हैं उनको। पर देखने में ये अच्छे लग रहे हैं, मतलब शेक कर रहे हैं और देख के मतलब काफ़ी मतलब मज़ा आ रहा है इनको। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो इन भैया से ये टोपी भी लेके जा सकते हो। बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे डिवाइस मिल रहे हैं। भैया क्या क्या रेट है? 60 रुपये का। हाँ यहाँ पे आना चाहते हो कोई भी आप टॉइस लें, 60 रुपये में आपको टॉइस का मिल जाएगा। ये आजकल के टाइम की राइड नहीं इन्होंने बनाई है, मतलब वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, कुछ नया ही लेके आए हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है ये राइड को देख के बच्चों के लिए। बच्चे भी इस राइड को करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। शिवम जादू करनी है तो यहाँ पे एक्चुअल शो तो हम देख सकते थे, पर अभी टाइम हो चुका है 11 हो, ये 12 बजे मतलब एक घंटे का शो है, लगभग यहाँ से 12:30 बज जाने थे यहाँ से निकलते, तो इसलिए ये चीज़ अपनी पोस्टपोन कर दी हुई है। ये एक आधे दिन में आएंगे और दोबारा से ये जादू का देख के जाएंगे, वो कह रहे हैं कि दिन में भी ये शो चलता है, तो हम दिन में आएंगे तो ये आपको पूरा ही कैप्चर करके दिखाएंगे कि कैसे जादू करते हैं और क्या कुछ अंदर है, सब आपको दिखाएंगे। ये हमारे सोनू जी हमें मिल चुके हुए हैं, तो ये भी ये मेला घूमने के लिए आए हैं एकदम से। हम तो जाने लगे थे अपना ऊँट की सवारी करने आए, तो ये भी यहाँ पे थे ऊँट की सवारी करने आए। गुड़िया भी नहीं गए हैं। अच्छा गुड़िया ही गए हुए हैं, चलो आ जाओ करिए फिर अपा भी। नहीं तो ही करो, आ जाओ यार। ओ ना बस जी बस, ओ आ जाओ बस हमारे पास। ओके चलो अब हम फौजी जी की सवारी करने लगे और पूरा मेला देखने लगे हैं। ये भैया है, भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम अफसार है। अफसार जी हमें ऊँट की सवारी अब कराने लगे हैं, अब पकड़ लेना। देख यहाँ पे तो बैठना इतना मुश्किल है, देखो डर लगता है कि नीचे ना गिर जाए। चलो अफसार जी अब मेला हमें पूरा अच्छी तरीके से आप दिखाइए। तो ये अभी प्रिंटिंग हो के आई है, इसका मतलब मैं पहले क्या समझता कि इसमें कुछ लगा हुआ है, तो इसका वो भैया A4 साइज पे फोटो निकालते हैं, उसके ऊपर प्रिंट करके ये हीट मशीन लगाते हैं, तो वो इसके ऊपर प्रिंट हो जाती है। ये भैया अगर यहाँ पे आप आना चाहते हो वर्धमान मील में, इनकी शॉप लगी हुई है, तो भैया क्या इसका प्राइस क्या है? 250 रुपया, कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है भैया। ये 250 रुपये में ये आपको शर्ट भी दे रहे हैं और ऊपर से प्रिंट करके भी दे रहे हैं। ये इनका नंबर है, तो आप यहाँ पे आके अपना इनको कॉल भी करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, तो अगर कोई सर्विस भी हैगी सर्विस होम डिलीवरी फ्री है साढ़े वालों। ओके आप होम डिलीवरी भी फ्री कर सकते हैं ये, आप अगर इनके इनको इनके व्हाट्सएप नंबर पे इनकी पिक सेंड कर दीजिए, इसके ऊपर इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है 0007, अगर आप कॉल कर देख सकते हो तो अच्छी बात है, कोई भी आइटम आप घर बैठे होम डिलीवरी मंगा सकते हो। हाँ भैया लुधियाना गई हो? जी जी सर। ये लुधियाना गई है, अगर इनके साथ लुधियाना में कहीं भी हो आप ये प्रिंटिंग कर इनको देना चाहते हो तो इनको व्हाट्सएप कर दीजिए, और ये आपको होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री देके जाएंगे, और 250 रुपये में ये आपको शर्ट बना के भी देके देंगे। चलो अब हमने मेला घूम लिया हुआ है, टाइम भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, 12 बजे के आसपास आ गए हुए हैं। चलो अभी हम इस मेले का पार्ट 2 लेके आएंगे, क्योंकि ये मेला अभी हम प्रॉपर देख के से घूम नहीं पाए हैं, तो इसका एक आधे दिन में हम दोबारा से आएंगे और पार्ट 2 लेके आएंगे, और जो अनसीन चीज़ें हैं जो हम नहीं कर देख पाए वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे। चलो अब इस हम मेले का यहीं पे एंड करते हैं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा प्यार करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके टाटा बाय बाय।